इट्स अल्टीमेटली अ नंबर गेम। 1750 नंबर के मेंस में जो 7 पेपर्स होते हैं उन सभी पेपर्स का वेटेज तो सेम होता है, लेकिन इन सभी पेपर्स में मार्क्स एक जैसे नहीं आते। तो हम अभी इस वीडियो में इस बात पर चर्चा करेंगे कि कौन से पेपर्स में किस तरह से मार्क्स आते हैं और आपकी प्रिपरेशन किस दिशा में ओरिएंटेड होनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आई एम राहुल ताजनेकर, योर ओन यूपीएससी मेंटर एंड कोच, डायरेक्टर राहुल सर्स आईएएस एकेडमी। तो 4 जीएस के पेपर्स होते हैं, 1 एसए का पेपर और 2 ऑप्शनल के पेपर। तो अगर आप पिछले 10-12 साल का एक ट्रेंड देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन से पेपर्स में कैसे मार्क्स आते हैं, जिसका मैंने काफी डिटेल्ड एनालिसिस किया है, उसी को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो आप पहले कमेंट करके ये बताइए कि क्या आपने कभी इस दिशा में विचार किया है मेंस की प्रिपरेशन करते समय, और नहीं किया तो आपको ये करना चाहिए, क्योंकि आपको अगर सिलेक्ट होना है तो आपको अपने कॉम्पिटिशन लेवल को माइंड में रखते हुए ही प्रिपरेशन करनी है। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस वीडियो में आपको पूरा पता लगेगा कि कैसे मेंस की प्रिपरेशन को अप्रोच किया जाए, क्योंकि घूम फिर के आपका इस एग्जाम का एम है सिलेक्ट होना, ना कि अपना नॉलेज लेवल बढ़ाना या एनसाइक्लोपीडिया बनना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इट्स अल्टीमेटली नंबर गेम वीडियो की शुरुआत हम जीएस के पेपर्स के साथ करते हैं। तो जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, इनमें आपका जीएस का मेन सिलेबस होता है जो प्रीलिम्स में पूछा जाता है, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, आर्ट एंड कल्चर, बायोडायवर्सिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट से सोशल इश्यूज से लेकर करंट अफेयर्स, ये जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको जीएस के फर्स्ट 3 पेपर्स में पूछी जाएंगी। यानी कि कौन से, जीएस पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। नाउ इट डजंट मैटर कौन से पेपर में क्या पूछा जाता है, हम उस बात पे चर्चा नहीं कर रहे। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सिर्फ ये जानना है कि प्रीलिम्स के लिए आप जितनी भी पढ़ाई करते हैं वो सारी की सारी पढ़ाई का जो सिलेबस है वो पहले 3 पेपर्स में ही होता है। अब इन 3 पेपर्स के मार्क्स कितने हुए, 250 मार्क्स ईच, तो 750 मार्क्स। तो अब आप जिस चीज की सालों साल पढ़ाई करते हैं, रात दिन एक करते हैं, जिसके लिए क्लासेस ज्वाइन करते हैं और जिसके ऊपर लाखों रुपए खर्च भी करते हैं दिल्ली जाके और कहां कहां जाके, तो उसमें आपकी प्रिपरेशन मेंस की कितने मार्क्स की हो रही है, 750 नंबर की। भाई एग्जाम तो 1750 नंबर का है, तो इसमें सिर्फ 750 ही नंबर आपके प्रिपेयर हो रहे हैं जिसके लिए आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। तो अब ये जो 750 नंबर है, पहले ये भी देख रहे थे कि इसमें से मार्क्स कितने आते हैं। जीएस के जो 3 पेपर्स है, ये जो रेंज है हर पेपर की, थोड़ी बहुत 4-5 नंबर आगे पीछे भी हो सकती है, जो मैंने एनालिसिस किया है इसमें 80 to 110 इस रेंज में मार्क्स आते हैं। अब ये जो 80 to 110 मार्क्स है, इसका अगर हम एवरेज पकड़ ले तो 95 मार्क्स बनता है। तो 95 × 3 कितना हुआ, 285। आपके 285 नंबर ही आ रहे हैं अगर हम इसका एवरेज पकड़ के चले। अगर हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि आपके अगर एवरेज मार्क्स आते हैं तो आप कहां पहुंचेंगे, तो अगर इसमें आपके एवरेज मार्क्स आते हैं दैट इज 285, तो 285 आपके 750 में से आ गया, तो 750 नंबर खत्म हो गए। अब आपको सिलेक्ट होने के लिए तो काफी सारे मार्क्स और चाहिए, बल्कि ज्यादा मार्क्स चाहिए, क्योंकि जनरल कैटेगरी की भी जो कट ऑफ है, ब्रॉडली पकड़ लो आप 740 to 760 के रेंज में मेंस की कट ऑफ जाती है। हम जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बाकी कैटेगरीज की कट ऑफ भी थोड़ी सी इनसे कम होती है, तो बाकी लोग अपने अपने हिसाब से उसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो अब ये जो आपके सिर्फ 285 मार्क्स इसमें आए हैं, तो कट ऑफ के आगे पहुंचने के लिए जो आपको बाकी के नंबर है वो उस 1000 नंबर में से लाने। तो अब आपने ये तो देख लिया कि कितनी भी पढ़ाई कर लो, आपके इसमें जीएस के पेपर्स में मार्क्स आने वाले हैं नहीं, चाहे आप टॉपर्स के भी मार्क्स देखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें तुम्हारे मार्क्स आएंगे ही नहीं। तो तुम्हारे मार्क्स आएंगे किसमें, टॉपर्स के ज्यादा मार्क्स किसमें होते हैं। आप अगर मेंस में या सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की या मेंस जिन्होंने अपीयर किया उनके अगर मार्क्स देखोगे, तो इन 3 पेपर्स में बाय एंड लार्ज सभी के सेम मार्क्स रहते हैं। एज किसको मिलता है, एज उनको मिलता है जिनके एसए में ज्यादा मार्क्स होते हैं, पेपर 4 में ज्यादा मार्क्स होते हैं और ऑप्शनल में ज्यादा मार्क्स होते हैं। तो घूम फिर के आपका सिलेक्शन जो है वो डिपेंड काय पे करता है, आप ये सोचिए, वो इन बाकी के 1000 नंबर पे करता है, यानी जिसकी आप पढ़ाई प्रीलिम्स के टाइम पे नहीं करते हो। लोग सालों साल ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ने में ही लगा देते हैं,
और ये सब करके अगर कल को प्रीलिम पास भी हो जाए तो उसका उनको कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए इस एग्जाम में कॉम्पिटिशन लेवल बहुत कम है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो आप जरूर देखिए कि जिसमें मैंने बताया कि कैसे बैंक पीओ बनना मुश्किल है लेकिन आईएएस बनना आसान है। जिसका रीजन ये है कि इसके लिए आईएएस की एग्जाम के लिए हर कोई प्रिपेयर्ड ही नहीं रहता, तो रियल कंपटीशन बहुत कम लोगों में होता है। वो उन लोगों में होता है जो एसए को अच्छा लिखते हैं, जो ऑप्शनल अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और जो जीएस पेपर फोर में अच्छा स्कोर करते हैं। तो ऐसे ही हम अभी जीएस पेपर फोर के की अगर बात करें तो जीएस पेपर फोर बहुत स्कोरिंग पेपर होता है। इसमें अभी तक 162 मार्क्स हाईएस्ट मार्क्स मिले और मतलब जो मैंने अभी तक देखा उसमें, तो अगर आपको पता होगा इससे ज्यादा भी किसी को मिले होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो इसमें भी जो लोअर रेंज है जीएस के पेपर फोर में वो 80 मार्क्स ही है, 80 से 162। तो अब आप देखिए कि इसमें रेंज कितनी बड़ी हो गई। तो इसमें आपके अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो वो आपके बल्क आपके मार्क्स के बल्क में ऐड करेंगे और आपको सफलता की तरफ लेके जाएंगे, यानी फाइनल सिलेक्शन की तरफ लेके जाएंगे। तो इसीलिए जीएस पेपर फोर को प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम जीएस पेपर फोर का भी एवरेज पकड़ ले तो 135 अगर पकड़ लेते, ठीक है, ऐसे ही हम एसए का एवरेज पकड़ लेते, एसए में भी एक रेंज होती है, वो होती है 90 से लेके 170 के आसपास। खैर 170 तो आते नहीं है किसी के, लेकिन अभी तक जो मैंने देखा है उसमें 168 मार्क्स हाईएस्ट आए हैं जब से नया पैटर्न आया आउट ऑफ 250। तो 168 मार्क्स बहुत ज्यादा हो गए। तो अगर हम इसका एवरेज पकड़ ले 90 to 160 या 70 पकड़ ले, तो उसका जो अगर हम एवरेज पकड़ ले तो भी ये 130-35 के आसपास आता है। तो हम इसके भी 130-35 मार्क्स ऐड कर लेते हैं। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि अगर आपके बेसिक एवरेज मार्क्स आए तो आपकी रैंक कहाँ पहुंचेगी। तो ऐसे ही हम अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट देखें तो ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो दोनों पेपर्स मिला के उसका एक एवरेज 145 पर पेपर बनता है, यानी उसकी भी जो रेंज है 250 मार्क्स से लेके 330 मार्क्स। तो 250 टू 330 मार्क्स अगर इसका हम एवरेज पकड़ ले तो 145 मार्क्स पर पेपर आपके इसमें आ सकते हैं। तो अगर आप इन सभी चीजों के सिर्फ एवरेज मार्क्स के हिसाब से भी चलते हैं तो आपके मार्क्स कितने बनेंगे। तो हमने क्या हिसाब लगाया था कि जीएस के तीनों पेपर मिला के 185, देन पेपर फोर के 135, एसए के 130 एंड ऑप्शनल्स के 290, ये हम एवरेज मार्क्स ले रहे हैं। तो आपका टोटल स्कोर बनता है 840। तो अब ये जो 840 है ये स्कोर आपको कट ऑफ के तो ऊपर लेके जा रहा है, ओके। और अगर इस कट ऑफ में आपके हम 125 नंबर इंटरव्यू के ऐड कर लें तो ये स्कोर बनता है 965। तो इसका मतलब ये है कि 965 मार्क्स में आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि जो जनरली जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ जाती है वो जाती है 950 से 970 मार्क्स की रेंज। एक्चुअली आगे चल के ये जो एग्जाम का मार्क्स का टोटल रहता है इट बिकम्स वेरी स्क्यूड, और एक एक टोटल पे 40-40 लोग होते हैं, फिर उनके अलग अलग क्राइटेरियाज पे उनकी रैंक बनाई जाती है। तो इसीलिए अगर आप एक एवरेज भी मार्क्स लाते हैं सब पेपर्स में तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि सिलेक्शन होने का क्या मतलब है, यानी क्या आपको फिर से एग्जाम देना है। तो हमको तो एक ही एग्जाम में टॉप 100 में आना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा। तो उसके लिए आपको, अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि टॉप 100 में आने के लिए आपको कितने टोटल मार्क्स चाहिए। आपको 1000 नंबर से थोड़े से ज्यादा चाहिए। तो अगर हम 1000 भी पकड़ लें यानी 1000 मार्क्स को आपको बेंचमार्क क्रॉस करना है। अभी हमने जो एवरेज मार्क्स का टोटल किया तो वो कितना आ रहा था, वो आ रहा था 965। तो 965 मार्क्स में आपका सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन नीचे की कोई रैंक आएगी। तो अगर इसमें आपको 45 नंबर और ऐड करने हैं तो ये 45 नंबर आपको कहां पर ऐड होंगे, यानी आप ये 45 नंबर का या 45 टू 50 नंबर का एज अगर आप लेते हैं तो आपकी रैंक सीधा टॉप 100 में आ जाएगी। फिर इररिस्पेक्टिव ऑफ योर कैटेगरी यू आर बाउंड टू गेट आईएएस और योर फर्स्ट चॉइस व्हाटएवर इट इज। तो अब ये जो 45 मार्क्स है ये आप भूल जाइए कि ये आपके जीएस की वजह से आने वाले, जीएस के तीन पेपर्स की वजह से आने वाले, यानी कि हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी ज्योग्राफी साइंस टेक करंट अफेयर्स ये पढ़ के नहीं आने वाले। ये मार्क्स 45 मार्क्स जो आपको कम पड़ रहे टॉप 100 में आने के लिए
ये आपके सिर्फ ऑप्शनल पेपर फोर और एसे से बन सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या चाहिए, आपको यही करना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन का फोकस हमेशा मेंस ओरिएंटेड रखना है। हमने इस पे भी एक वीडियो बनाई है कि इट इज ऑल अबाउट 1750 मार्क्स, तो उस वीडियो को भी जरूर देखिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये जो अब इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, ये सब चीजें माइंड में रखते हुए, तो आपका सिलेक्शन होना तय और तय ही नहीं, आपकी टॉप 100 में भी रैंक आ सकती है। देखिए इंटरव्यू एक ऐसी स्टेज ये होती है कि उसमें बाय एंड लार्ज किसी के गंदे मार्क्स नहीं आते, ना उसमें बहुत अच्छे आते। इंटरव्यू में जनरली एक लेवल के मार्क्स आते, एक बहुत नैरो रेंज होती है जिसमें सबके मार्क्स आते। तो इसीलिए इंटरव्यू तक आप अगर पहुंच गए तो आपके बेसिक मार्क्स तो आने ही आने, लेकिन सारा खेल तो इन 1750 मार्क्स का है। तो इन 1750 मार्क्स में कौन से पेपर्स पे फोकस करके आपको एज लेना चाहिए, ये आपको हमेशा माइंड में रखते हुए ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो अगर आपने वाकई में ऐसी प्रिपरेशन की है, क्या इस डायरेक्शन से प्रिपरेशन करने की सोच रहे हैं, तो अगर आप सोच रहे हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मुझे बड़ी खुशी होगी। लेकिन मेरे अंदाज से ज्यादातर लोग इस चीज को नहीं देखते, इस चीज को नजरअंदाज करते हैं। तो अगर आप वाकई में इस डायरेक्शन से अपनी प्रिपरेशन ओरिएंट करेंगे तो आप लोगों से बहुत आगे हो जाएंगे। हमेशा अपने कंपटीशन लेवल को देखते हुए ही किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए। भाई कंपटीशन तो हर चीज में होती है, बिजनेस में होती है, पॉलिटिक्स में होती है, एग्जाम स्कूल में होती है, कॉलेज में होती है, यूपीएससी में भी है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको हजार ही सीट बची है, उसमें भी कैटेगरी वाइज अगर देखें तो सबके लिए बहुत कम सीट्स है। तो ऐसा करने की वजह इसमें आपको एक ही तरीका है कि आपको ऐसी रैंक आनी चाहिए कि आपका आपकी मनमानी सर्विस, यानी आपको आपने जो फर्स्ट चॉइस रखा था वो आपको मिल जाए, और उसके लिए आपको टॉप 100 में आना है। तो टॉप 100 में आने के लिए अगर आपको बाकी सब आप एक अपनी क्वेस्ट बनाइए कि आपको एवरेज मार्क्स जीएस के फर्स्ट 3 पेपर्स में मिले, यानी कि 95 का एवरेज, उससे थोड़ा ज्यादा मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मिलने के चांस कम है, क्योंकि हो सकता है कि किसी जीएस के जीएस 1 में सपोज आपको 120 मिल गया तो जीएस 2 में 80 ही मिलेंगे। तो ऐसे ही होता है, सबके साथ ऐसे ही होता है, वो एवरेज उसका 95 ही आता है। अगर यही 95 को आप खींच के सपोज 100 या 105 तक लेके गए तो आपको उसका भी 10 नंबर का एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है रैंक बनते समय। लेकिन आपको मेजर एज कहां पर लेना है, आपको मेजर एज ऐसे में लेना है, पेपर फोर में लेना है और ऑप्शनल में लेना है। इसकी प्रिपरेशन लोग करने आते हैं और ऐसे तो कभी लिखते ही नहीं है, ऐसे को तो आपको बहुत सीरियसली लिखना चाहिए। रोज नहीं तो कम से कम हफ्ते में 2 ऐसे साल भर लिखो, क्योंकि ये आपको अकेला 250 नंबर का वेटेज रखने वाला टॉपिक है। कहाँ आप इतनी सारी जीएस पढ़ते हैं, उसके मार्क्स कितने आते हैं, ये सब करके आपका सिर्फ प्रीलिम्स पास होगा। आपका एम प्रीलिम्स पास करना है या सिलेक्ट होना है, ये आप पहले सोचिए। तो इसीलिए आपका फोकस जो है एग्जाम का, हमेशा अपने कंपटीशन को माइंड में रखते हुए, कौन से पेपर्स में कैसे मार्क्स आते हैं, इन चीजों को माइंड में रखते हुए ही करना है। तो अगर आप इस दिशा में प्रिपरेशन करेंगे तो आपको श्योर सक्सेस मिलेगी, आपकी रैंक भी टॉप 100 में आएगी, और इसके लिए मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।